कामयाब होने की सबसे पहली शर्त है वो ये, आप भी अपना अपना कोई ना कोई कारण ढूंढे, मैंने भी कारण इसमें ढूंढा। और मुझे जब इस बिजनेस के बारे में बताया गया, हमारे गुरुदेव माननीय सुनील शर्मा जी के लिए कोई जबरदस्त ताली। मैंने भी इस बिजनेस में आने से पहले मैं नहीं जानता था उन्हें कौन है, लेकिन इस बिजनेस में जब काम करने का निर्णय लिया तो मैंने उन्हें अपना कोच, अपना मेंटर माना। क्योंकि अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है तो अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति, अपने से ज्यादा एजुकेटेड व्यक्ति, जो आपसे 2100 ऐसे व्यक्ति को ही तो कोच बनाओगे जी, जो आपसे कमजोर है, आपसे भी अगर मान लो पीछे चल रहा है तो आपको क्या चार्ज करेगा। अगर किसी बैटरी को चार्ज करना है तो करंट तो हैवी लगाना पड़ेगा ना। तो यदि आपको कामयाब होना है तो कामयाब व्यक्तियों को आप ढूंढें, उन्हीं की आप संगत में रहेंगे तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ सभी लोग परिचय दे रहे थे, मैं भी अपना परिचय दूं। मेरा नाम बन्नू चौधरी है और मैं टप्पल अलीगढ़ से हूँ। और ये बिजनेस जब मुझे मिला, मैं खुर्जा में जॉब करता था और खुर्जा में जॉब करते करते मुझे इस बिजनेस के बारे में किसी ने बताया, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी को बताता ही है। शुरुआत में मेरे को ज्यादा बड़ा ड्रीम नहीं था इस तरह के काम को लेकर, क्योंकि एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था। मैं सोचता था यार ये काम उन लोगों के जिनके पास तो इनकम काम करने का कोई जरिया नहीं होता, ये इनकम लो, जिन लोगों की इनकम लो है उन लोगों के काम होता है। मैं तो अच्छी कंपनी में मैनेजर हूँ, मुझे क्या काम है। लेकिन जिन लोगों ने मुझे जोड़ा, उन्होंने एक अच्छा काम किया जो बार 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 मुझे मीटिंग के लिए बुलाते थे। और मैं बहुत सी बार तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता था। मैंने कहा यार इन लोगों को काम नहीं, मुझे अपना बहुत बिजी हूँ और ये क्या बुलाते रहते। लेकिन बार 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 जब किसी व्यक्ति को आप बुलाओगे तो बताया जाता है कि भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा भी होता है ना, पुरानी उसमें हम जैसे फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसमें तपस्या करके लोग भगवान को भी बुला लेते थे। रावण जो है इतने जो है बुद्धिजीवी थे कि इतने ज्यादा वो तपस्या करते थे कि वो बड़े से बड़ी सुपर पावर को बुला लेते थे और वो उन्हें खुश होकर उन्हें वरदान दे देते थे। तो फॉलोअप में बार 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 बुलाने में ये बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे बताया गया कि आप खरीदारी कर लो, तो नए लोगों को बताया जाता है ना भाई, बच्चे को भी तो हम बार बार स्कूल छोड़ के आते हैं, वो चाहता तो है घर जाना पर हम उसे स्कूल छोड़ दें, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये स्कूल में आ गया तो ये रेगुलर यहाँ टिकेगा। ऐसी नया व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ता है उसका कोई ड्रीम नहीं होता, वो क्यों आया मीटिंग में, क्या करेगा। जब तक उसे हम बताएंगे नहीं कि यहाँ मिलेगा क्या, और यदि उसे पता चल गया तो वो आपकी टीम का कोई ना कोई बब्बू चौधरी हो सकता है। तो लगातार लोगों को आप बुलाइए, लगातार उनका फॉलोअप लीजिए, तभी वो व्यक्ति आएगा। मुझे इस बिजनेस में आने के बाद कुछ चीजें क्लियर हुई। मैं 2 मिनट में बस अपनी बातचीत रखूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर हैं और मैं भी उन्हीं से सीखूंगा, क्योंकि मैं तो हर बृहस्पतिवार को रहता ही हूँ आप लोगों के बीच में। जी, मैं भी सीखने के लिए आया हूँ। और जो व्यक्ति हमसे अगर एक कदम भी आगे है तो कुछ ना कुछ तो उसमें कैलिबर है। अगर हमें इतनी ताकत होती तो हम उनसे आगे हो जाते, तो कोई हमसे भी आगे है कुछ ना कुछ तो विशेष है उनके पास, तो हमें उन्हीं से सीखना चाहिए। लेकिन मुझे क्या समझ में आया, बस मैं 1 मिनट में अपनी बातचीत रखूंगा। मुझे जब हमारे गुरुदेव सुनील शर्मा जी इस बिजनेस के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें बताई कि व्यक्ति कुछ ना कुछ जिंदगी में काम करता है, कुछ ना कुछ तो काम करता ही है अपने जीवन यापन करने के लिए। और काम करने का जो उद्देश्य है उसका सबसे पहला उद्देश्य है पैसा, पैसे के लिए काम करता है। किसी व्यक्ति को आप काम पर रखो और पैसा मत दो शाम को, क्या वो आएगा अगले दिन, वो फोन भी नहीं उठाएगा। और पैसे के साथ साथ अगर सम्मान मिलेगी तो कैसा रहेगा, पैसा तो मिल रहा है, आते तुम किसी व्यक्ति को 400 गाली दे दो तो क्या अगले दिन आएगा। यार ये तो प्रॉब्लम रहती है, किसी डिपार्टमेंट में आप जाए बार बार आपका तिरस्कार हो, वहाँ नौकरी जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ इज्जत ही ना हो, तो कोई आदमी इसी जगह काम करना चाहेगा। तो पैसे के साथ साथ क्या चाहिए हमें, सम्मान। और हमारे गुरुदेव ने बताया कि एक जिंदगी में एक चीज और चाहिए लोगों को, सुरक्षा भी चाहिए, इनकम ऐसी हो कि हमेशा आती हो। ऐसा ना हो कि हम उस दिन काम कर रहे हैं वो काम जहां हमने काम करना स्टार्ट किया वो व्यक्ति हमें काम से निकाल दो, तो काम भी आदमी ऐसा चाहता है परमानेंट काम। उसके साथ साथ एक और चीज बताई उन्होंने कि यदि आपके पास समय है तो भी आप बहुत बड़े
धनवान हो सकते हैं, क्योंकि पैसे भी आपके पास है और पैसे को खर्च करने के लिए भी समय नहीं है, तो ऐसे पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर ये चीजें आपके जीवन में है बैलेंस के तौर पर, तो आप एक कामयाब व्यक्ति हैं, अपने आप को माना कि आप एक सही ट्रैक पे हैं। तो उन्होंने बताया मुझे कि जिंदगी में जो लोग काम करते हैं, क्या उनके काम चेक कर लेंगे कितने लोगों के पास ये चीजें हैं? मैंने कहा उनसे बताओ जी, तो सबसे ज्यादा जो काम करते हैं लोग हमारे यहाँ, ये करते हैं खेती, क्योंकि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, ज्यादातर लोग यहाँ खेती के ऊपर डिपेंड है। सबसे ज्यादा लोग जो मिलेंगे काम के नाम पर जो काम करते हैं खेती करते हैं। तो चेक करें इनकी स्थिति, क्या किसान के पास पैसा होता है? ये तो कमाता ही इतना पैसा है कि जितना भी राशन खाता है उधारी, वो फसल के ऊपर ही खाता है। क्या बैसाख में दे देंगे, चैत में दे देंगे, वो मतलब हिंदी कैलेंडर का वो रहता है, वो ऐसे ही सब कुछ उधार ही खाता है। डीजल तो उधार, पशुओं का राशन तो उधार, खेतों की दवाइयां उधार और अपने राशन उधार, बच्चों की फीस उधार, सब कुछ उधार ही रहता है इसका। क्रेडिट कार्ड का लोन जमा करना वो भी उधार, जो भी फसल ये करता है वो सब उधारी में चली जाती है, इसके पास कुछ नहीं बचता। तो पैसे के नाम पे स्थिति खराब है। सम्मान की बात करें तो साहब कोई सम्मान नहीं, जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई सम्मान नहीं। क्या कोई आड़ती कह रहा है कि जी आओ जी नंबरदार, बारह गेट पाओगे आओ, अरे आपकी वजह से मेरी दुकान चल रही है? क्या किसी आड़ती ने आज तक ऐसा कहा है, या किसी दुकानदार ने कहा है, या किसी स्कूल वाले ने कहा है कि यार आपकी वजह से हमारा चल रहा है काम? कोई सम्मान होते देखा है कि? देखो हम बातचीत करते रहेंगे तो मुझे लगेगा बात समझ में आ रही है। अच्छा भाषा समझ में आ रही है मेरी? हाँ ना मैं इनकी बात होगी तो पता रहेगा कि हाँ भाई मेरी बात वहां तक जा रही है, तो हाँ या ना मैं बोल सकते हैं जी? तो सम्मान कुछ नहीं है जिस व्यक्ति का, और सुरक्षा भी यहाँ पर कुछ नहीं है। किसान की जो फसल है वो तो चौड़े में रहती है। अभी कुछ दिन पहले बारिश वारिश हुई तो सबसे ज्यादा टेंशन में यही था, क्या बारिश हो रही है, फसल खराब हो जाएगी, ये ऊपर वाला भी किसान के पीछे पड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा टेंशन में ही है। अनसिक्योर्ड काम है इनका, बिल्कुल कोई सुरक्षा ही नहीं है। समय की बात करें तो समय भरपूर है, कहीं कोई दावत हो जाए तो पूरा गांव का गांव धरा चला जाता, काम धंधा बंद, कहां जा रहे हैं जी दावत है आज तो फलाने गांव में, सब काम धंधे बंद कर देता है। रैली में अगर कहीं जाना हो तो गाड़ी बस लगा दो गांव में कहीं, पूरी भर के चली आएगी। बारात यदि किसी की जा रही हो तो अगर भर के आ रही है ना कहीं से, समझ जाओ गांव से ही आ रही है। शहर में तो लोगों पर टाइम नहीं, लोग ढूंढते हैं यार कोई बराती तो हो जाए हमारी बारात में जाने के लिए। तो ये स्थिति है हमारे ऐसे व्यक्ति की जो सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं खेती, उसकी स्थिति है। तो खेती करना चाहेंगे जी? नहीं। इतने लोग हैं जो चाहेंगे कि हमारा बच्चे खेती करे, कोई नहीं चाहता आज के समय में। दूसरी एक और चीज है, लोग आपको मिलेंगे काम करने वाले दुकानदार वाले, दुकानदार भी खेती के बाद सबसे बड़ी एक ऐसी कम्युनिटी है काम करने वाली जो पैसा कमाती है। पैसे की बात करें तो पैसा इन लोगों के पास होता है, सुबह शाम पैसा घूमता रहता है। वो बात अलग है कि उसके ये मालिक नहीं है, लेकिन पैसा इनके पास रहता है। सम्मान की बात करें तो भाई सम्मान यहाँ कोई नहीं है। कोई भी दिक्कत होगी दुकानदार, अरे यार तुम कैसे हो, तुम तो चोर हो, आज में काटते रहते हो लोगों को, ऐसे ही करते हैं ना दुकानदार, वो कितना भी रेट उसे वाजिब लगा दे लेकिन कुछ ना कुछ कंप्लेंट इसके बाद रहेंगी। और सुरक्षा कुछ नहीं है इसमें, सुरक्षा यूं नहीं है। जब नोटबंदी हुई तो बहुत से लोगों के तो काम धंधे नंबर हो गए थे, तो शटर डाउन हो गए होंगे। जीएसटी जैसे लागू हुई तो भी काम धंधे चौपट हो गए, और जैसे ही किसी अच्छी मार्केट के ऊपर हाईवे निकल जाता है तो मार्केट की मार्केट साफ। एक परमानेंट चलने वाली दुकान जब रोड चौड़ा होता है, दुकान उठ जाती है वहां से, वो दूसरी जगह जाती है तो वहां उस तरीके से नहीं चल पाती। अनसिक्योर्ड काम है। कोरोना जैसे टाइम में अच्छे अच्छे जो दिग्गज कह रहे थे कि हमारा तो बहुत बड़ा शोरूम है, हम इतने बड़ा पैसा लगा रखा है, बहुत से लोगों ने तो कोरोना के बाद उससे ताले भी नहीं खोले, इतना रेंट उनके पास हो गया, कहने लगे भाई दुकान भी तुम्हारी माल भी तुम्हारा। समय की बात करें तो साफ समय नहीं होता इनके पास। मैंने देखा है दुकानदारों को, वो टॉयलेट भी करने जाते हैं तो गर्दन जो रहती है उनके पीछे की दुकान पर से, कहीं कोई ग्राहक ना वापस लौट जाए, कोई चोरी ना कर ले जाए, सुबह से शाम तक बेचारा बैठा रहता है। इसकी फैमिली वाले जब बोलते हैं कि जी बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है, कि भाई हम पे टाइम नहीं है, दुकान देखते क्यों, उन्हें देखते कहीं रिश्तेदारी में जाना नहीं,
अभी मुझे पता चला कि यहाँ मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे कि घर में भी यदि शादी होती है तो भी वो दुकान नहीं बंद करते हैं, वो सोचते हैं कि एक आध घंटे ही पहले हमें बंद करना पड़े और हमारा काम चल जाए, तो समय की बड़ी दिक्कत रहती है दुकानदार भाई के पास। एक और कैटेगरी रहती है हमारे आसपास, जॉब, नौकरी वाले लोग हमारे आसपास बहुत लोग रहते हैं। मैं इस कैटेगरी के लोगों से बहुत मैंने नजदीकी से लाइफ मेरी गुजरी है, क्योंकि मेरे फैमिली में ज्यादातर लोग, क्योंकि हम जाट परिवार से हैं तो वहां लोग एक ही काम करते हैं कि हाई स्कूल इंटर करो और दौड़ लगाओ और फौज में पुलिस में भर्ती हो जाओ, यही नौकरी है उनके लिए। नौकरी के नाम पर और कोई नौकरी है ही नहीं इस दुनिया में, वो ये मानते हैं कि नौकरी हमारे लिए पैदा हुई है। तो मेरे फादर भी पुलिस से रिटायर्ड है, उन्होंने भी नौकरी की है और मैंने भी 10 साल नौकरी की है। नौकरी वाले की जिंदगी देखें कि कैसी होती है, पैसे की बात करें तो इसके पास पैसा नहीं होता, पैसा इतना ही होता है जितना खर्चे चलाने के लिए चाहिए। जिंदगी भर ये जद्दोजहद में रहता है, जब स्टार्ट करता है अपना कैरियर जब भी इसकी स्थिति ऐसी रहती है और ये टॉप पर भी पहुंच जाता है ना तब भी ऐसी जिंदगी रहती है, कसमुकस रहता है। बच्चों की जैसे ही एडमिशन का नंबर आता है मामला खराब हो जाता है, क्या इस महीने बहुत ज्यादा खर्चा है, इस बार बच्चों की फीस है, उनकी एडमिशन की फीस देनी होगी, कोई शादी ब्याह त्योहार आ जाए तो इनका बजट गड़बड़ा जाता है। सही कह रहा हूँ जी मैं, क्योंकि मैंने 2005 में जब बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब स्टार्ट की तो 12,500 रुपये मुझे सैलरी मिलती थी, मैं सोचता था 25-30,000 रुपये हो जाएगी तो बाइक की जगह हम कार ले लेंगे, कार में चला जाऊंगा, वो 25-30,000 भी हुई, 40 भी हुई, 50 भी हुई, 60 भी हुई, लेकिन वो बाइक नहीं बदली है मेरे में, क्योंकि खर्चे भी उसी तरीके से बढ़ते चले गए। तो जॉब वाले की स्थिति ये है, अगर उनसे कहो भैया 2-4 लाख रुपए दे दो यार, उधार नहीं है। बहुत से लोग तो केवल बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी यहीं तक सिमट कर जाते हैं, बहुत से लोगों को तो अपना मकान भी नहीं बन पाता, ऐसी स्थिति रहती है जॉब की। सम्मान की बात करें तो सम्मान कोई नहीं है, क्या किसी डिपार्टमेंट में जाकर ऐसा हुआ है कभी आपका कि भाई आप इतने दिनों से सेवाएं ले रहे हो आपका बहुत बहुत सम्मान, नहीं, क्योंकि वो नौकर है, नौकर का कोई सम्मान ही नहीं करता, वो चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो उसका काम ही काम करने का है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों की नौकरियां चली जाती है, समय के हिसाब से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दिक्कत आ जाती है गवर्नमेंट के, यहाँ प्राइवेट कंपनियों में छटनियां भी चलती रहती है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जैसे जैसे उस तरीके से नौकरियां भी सुरक्षित नहीं है जी, चौराहे पर जगह जगह कैमरे लग रहे हैं, पहले जब मेट्रो स्टार्ट हुई थी तो वहां सिक्योरिटी थी, क्या आज इतनी सिक्योरिटी है जी वहां, नो आज तो कैमरे ऑटोमेटिक काम हो रहा है, ना वहां टिकट देने वाला ना लेने वाला, वो सब कंप्यूटराइज हो गया। तो कंप्यूटराइज जैसे जैसे होगा तो ये जॉब का भी चैलेंज आएगा ना, सुरक्षा नहीं है। समय की बात करें तो समय इसके पास भी नहीं, सुबह से शाम तक आदमी बिजी रहता है, और ऐसी भी नौकरी लोग करते हैं जिनकी संडे की भी छुट्टी नहीं होती। मैंने तो ऐसी नौकरी की जहाँ 5 डे वर्किंग थी, शुरुआत में तो 6 दिन की थी पर बाद में 5 डे वर्किंग हो गई, 2 दिन की छुट्टी रहती थी, लेकिन ऐसे लोग हैं नौकरी करने वाले जो 7 के 7 दिन ड्यूटी करते हैं, और कुछ तो ऐसे महान लोग हैं जो रात को भी ड्यूटी करते हैं, भाई रात तो सोने को बनी है लेकिन किस लिए करते हैं, पैसे के लिए, आपको कंपनी की कंडीशन के हिसाब से जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप अपने तरीके से जीना चाहते हो तो घर जाओ, नौकरी का मतलब ही यही है, नौकरी क्यों करी, घर की पड़ी यूं करी, घर ही पड़ रही है हमारे इसीलिए कर रहे हैं, नहीं है तो घर जाओ तैयार। तो ये कुछ कैटेगरी हैं जहां हमारे आपके बीच में लोग पैसा कमाते हैं, इसी बीच में से इतने लोग पैसा कमाते हैं। मुझे बताया गया कि एक ऐसा काम है आरसीएम बिजनेस जिसकी चर्चा कर रहे थे अभी, यहाँ अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड जितना आप कमाना चाहो, क्या यहाँ अनलिमिटेड कमाने का कोई ऑप्शन है, अगर आप दुकानदार भी हैं तो गाजियाबाद की ही कस्टमर आपके पास आएंगे, क्या कभी बंबई से आएगा कोई सामान लेने, दिल्ली से आएगा क्या, गाजियाबाद सराउंडिंग एक लिमिट एरिया है लेकिन यहाँ इनकम का अनलिमिटेड एरिया है। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि साहब यहाँ सम्मान भी होगा, सम्मान कैसे होगा, यहाँ कोई भी शादी आया परिचय ही बता रहा है अभी और बाकी तो छोड़ दो, तो परिचय पर भी ताली बज रही है जी नहीं, क्या बाहर कोई ताली बजा रहा है हमारा, अगर आप इस बिजनेस को करने लगे और आपकी वजह से किसी को
दो चार हजार रुपए की इनकम होने लगी तो वो व्यक्ति जिंदगी भर आपका सम्मान कर सकता है, आपका फोटो अपने घर में लगा सकता है कि मेरे घर में जो आज के टाइम में जो इनकम आ रही है उसका कारण कोई ना कोई आप है। तो हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी में परिवर्तन आए, और यदि आपने ऐसा कर दिया तो लाइफ टाइम आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान यहाँ अनलिमिटेड है, सुरक्षा की बात करें तो यहाँ सुरक्षा भी है। ऐसे बहुत लोग हैं जो आज ही बिजनेस में काम कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ कि उनके हाथ पैर टूट गए, वो काम करने के लायक नहीं रहे या उनकी डेथ ही हो गई, लेकिन इनकम उनकी परिवार को हमेशा मिलती रही, एक परमानेंट इनकम का जरिया। आज के समय में हर व्यक्ति चाह रहा है कि हमें परमानेंट इनकम मिल जाए। परमानेंट इनकम के लिए तो सरकारी नौकरी करते हैं जी, दिलीप चौधरी साहब जी, यहाँ परमानेंट इनकम है। सरकारी नौकरी में भी तभी तक है जब तक वो रह रहे हैं, उसके बाद जैसे मेरे फादर थे पुलिस में, तो जब तक वो जॉब कर रहे थे अलग इनकम मिलती थी, और रिटायरमेंट के बाद उनकी इनकम बढ़ गई कि घट गई, और अब तो पेंशन भी नहीं है, क्या खर्चे भी खत्म हो जाएंगे क्या? लेकिन यहाँ आप अगर बिस्तर पर भी रहोगे, सांस भी लेते रहोगे, तब भी आपके अकाउंट में टन जैसे पैसे आएंगे, लाइफ टाइम पैसा मिलेगा, सिक्योर्ड इनकम है। ये मुझे यहाँ पर बताया गया। एक और बात बताई गई कि यहाँ समय अनलिमिटेड है आपके पास, कुछ समय यदि आपने समय लगा दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने समय को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो। जिस जॉब को मैं कर रहा था, 10 साल से जिस जॉब में लगा हुआ था, जितना बिजी में पहले दिन था उतना ही बिजी में लास्ट दिन भी था। मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरी वाइफ के डॉक्टर के एडमिट थी, बच्चा होना था और मैं कहाँ था, ऑफिस में। किसकी वजह से? काम की वजह से, पैसे की वजह से। ऐसा बहुत ऐसा लाइफ में होता है कि हम चाहते तो हैं कि हम वहां जाएं, हमारा दिल करता है कि हम उसकी सपोर्ट करें, हम हमारे शादी में जाना चाहिए, उसकी गम में जाना चाहिए, लेकिन ये काम, ये जॉब, ये काम ऐसा होता है कि हमें नहीं जाने देता। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आपने 5 से 10 साल शिद्दत से जो नरेंद्र जी ने बताया वो अगर आपने स्टेप फॉलो किए, पूरी तरीके से आपने समर्पित कर दिया अपने आप को इस बिजनेस में, तो आपको लाइफ टाइम समय मिल सकता है। आप जहां अपना टाइम स्पेंड करना चाहो समय आपका है, वरना जिंदगी भर आपको वो काम करना पड़ेगा जो और लोग आपसे करवाना चाहते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आप अपने समय के मालिक बने? Yes, आपको ये सब चीजें मिल सकती है इस बिजनेस में, लेकिन ये सब मिलने के लिए काम तो करना पड़ेगा जी, आसानी से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आज तक हम जिन कामों में लगे हुए हैं उन कामों में हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं और कितना समय लगा रहे हैं उन कामों के लिए। ड्यूटी के लिए तो हम इतने उतावले होते हैं कि पूरी ड्रेस अपडेट होकर हम जा रहे हैं, सुबह से शाम लगा रहे हैं। दुकानदारी अगर कर रहे हैं तो सुबह से शाम लगा रहे हैं। खेती यदि कर रहे हैं तो भैया अगर आज के समय में आप किसी किसान से पूछो तो समय नहीं है उसके पास। इस इतने बिजी यदि हम इस बिजनेस में हो जाएंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिल सकती है, तो लगा सकते हैं जी टाइम यहाँ। मैंने शुरुआत में जॉब के साथ ही इस काम को किया, क्योंकि शुरुआत में हर व्यक्ति को कोई ना कोई चीजें समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा 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 टाइम दिया, और इस काम में जब मैंने देख लिया कि यहाँ ये सारी चीज मिल सकती है तो पूरी ईमानदारी के साथ किया। जो भी टाइम मुझे मिला मैंने पूरा टाइम आर्सिंग बिजनेस को दिया, कहीं भी कोई भी व्यक्ति मिला उससे आर्सिंग की बात की, टीम में सपोर्ट किया, और आज इस आर्सिंग की बदौलत मैं इस तरह की चीजें अटेंड कर पा रहा हूँ। मुझे ये सब चीजें लाइफ में मिल पा रही है, वो मिल सब पा रही है जब मैंने वो समय लगाया जब लोग जॉब के बाद घर चले जाते थे टीवी देखते थे, मैं नहीं जाता था टीवी देखने, मैं फील्ड में काम करता था, टीम के साथ काम करता था, 10-10, 11-11 बजे तक काम करता था, तभी ये सब चीजें मिल पाई है। तो यदि आप भी चाहते हो कि ये लाइफ में मुझे सारी चीजें मिले और लाइफ टाइम मिले, हमेशा मिले, तो आपको अपने काम के साथ साथ ईमानदारी से, क्योंकि यहाँ कोई आपको मॉनिटर नहीं करेगा, यहाँ आपको खुद ही अपना बॉस बनना पड़ेगा, खुद ही काम करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे, कर सकते हैं जी। वो काम कौन से करने पड़ेंगे नरेंद्र जी ने बता दिया आपको, वो यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती है, ठीक है जी।